चाहता उसे पकड़ के अपने पीछे खड़े कर ले, उसको पकड़ के अपने पीछे खड़ा करे। उधर से अगर लोग ज्यादा हो रहे औरतों को धक्का ना लगे और इन सीढ़ियों से कुछ नाम ऊपर छत पे चले जाए, लेकिन औरतों को देखना किसी औरत को धक्का मत लगाना साइड से और छत के ऊपर कुछ लोग चले जाए, छत पे चले जाए। अब इसके बाद में अपने सरपंच जनाब जमील अहमद खान को गुजारिश करूंगा कि वो अपने खयालात का इजहार करें। रोड का खास फर्क और रोड का तहसील सुरन कोट की मेरी बात हमें आज शादी हो चुके हैं या भाई भाई लेके पूर्ण तौर पर इनसे ये गुहार लगा रहे हैं कि आओ और इस कलीर जी को यहाँ से उठा के ले जाओ, लेकिन पता नहीं कौन से वक्त का ये इंतजार कर रहे हैं क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि ड्रामा के अंदर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो, माहौल खराब हो, रोड बंद की जाए, उसके बाद शराब की दुकान को यहाँ से उठाया जाए। हजारों की तादाद में हमारे वक्त हो गए, लेकिन फिर भी हमने कोई रोड बंद नहीं की, हमने किसी को परेशान नहीं किया, इसलिए कि हम जानते हैं कि जमहूरियत के अंदर किस तरह से हमें अपना हक मांगना आता है। मैं आप तमाम भाइयों बुजुर्गों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस जो नापाक चीज यहाँ रखी गई है इसको उठाने के लिए हमारी भरपूर मदद करें और इंशाल्लाह हम इसको तहसील सुरन कोट से एक न एक दिन दफा करके रहेंगे। मुझे आज साथी हो गए यहाँ पर बोलते हुए, इसलिए आज हमारा कला साथ नहीं दे रहा। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आकर अल्लाह के सामने भी अपना हक अदा किया और हम लोगों की हौसला अफजाई की। ये मेरा किसी एक का मसला नहीं है, यहाँ कोई पार्टी का मसला नहीं है, यहाँ कोई मजहबी मसला नहीं है, यहाँ एक मसला है इंसानी समाज को बचाने का, हमारे आने वाली नस्लों को बचाने का। तो मैं इसके साथ ही मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब तक लोग शराब खाना ना उठे तब तक आप लोग पूरे तरीके से हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरनकोट के सरपंच जनाब ताहिर मिर्जा साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल को एक यकीन दिलाता हूँ, ये कोई सियासी बयान नहीं है कि जब तक आप शराब खाना की दुकान के बाहर धरना देकर बैठे हैं तब तक हम आपके साथ हैं, दिन रात हमारी जानी माली मदद आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको
बताते चलूं कि आपकी यूनिटी जो है यही आपकी स्ट्रेंथ है। जब तक आप यूनिटी में बने रहेंगे कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई मौजूदा सरकार हमारे ऊपर हमारा एक बाल भी फाका नहीं कर सकती है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती चलूं कि आप लोगों को ऐसे यूनिटी बरकरार रखनी है और जब तक इसका टाइम पीरियड हमें तब तक भी यहाँ पे हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से या मौजूदा सरकार से। आए दिन हमारे सरपंच बने हुए हमें 5 साल हो गए, हमने जितने भी जमाने एरिया की डेवलपमेंट के लिए उसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ पे अगर आपको मैं बताती चलूँ वाइन शॉप के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि स्कूलों को पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा और अगर उसके साथ साथ मैं हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करूं, ना हमारे पास कोई डॉक्टर है ना ही कोई हमारे पास यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है अच्छी। आए दिन हमारे लोगों को हादसा का सामना पेश करना पड़ता है, तब हम गवर्नमेंट को हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और सरकार को ऐसे ही एरिया को डेवलप करना है तो मैं सबसे पहले उनको शेम देना चाहूंगी, चाहेंगे हमारा एरिया डेवलप हो। अगर आप देखो हमारा ये फार फ्लंग और रिमोट एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, डेवलपमेंट के टाइम पे यहाँ पे लोगों को मजबूर किया जा रहा है शराब पीने के लिए। इस चीज के लिए तो शर्म बनती ही है क्योंकि हमारे यूथ जो है इसको पढ़ लिख के अपना एक अपना स्ट्राइकों के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये इनका फ्यूचर यही शराब खाने से स्टार्ट होगा। जो मासूम बच्चे 4-4 साल के बच्चे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, 6 साल के बच्चे भी इस रैली में मौजूद है, वो क्या सुन रहे हैं शराब खाना, शराब से वो शराब सीख रहे हैं कि शराब होती क्या, मतलब कि लोगों को खुद जबरदस्ती दी जा रही है कि आप शराब पियो, आपको रोड स्कूल एजुकेशन ऐसी कोई चीजें नहीं मिल रही है, आपको गिफ्ट में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे वाइन शॉप खोल दी गई है आपके नियर बाई, यहाँ से आप पियो और जियो। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर यही अत्याचार हमारे ऊपर रहा तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। डी साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि यहाँ पे इन लोगों को मजबूर ना किया जाए और डिविजनल कमिश्नर पुंछ से और डिविजनल कमिश्नर ऑफ जे एंड के से मैं से और ब्लॉक ब्यास के जितने 5 सरा से पीर वाली गली से लेके सुरपुर तक जितने लोगों ने यहाँ तावन दिया हम उनके दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे हुकूमत ये कहती है कि जो पब्लिक चाहती है तो वो ही हम करेंगे, तो अगर इस चीज को पब्लिक नहीं चाहती तो फिर इसमें जबरदस्ती वाली बात क्यों है। हम सब चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए जो ये जहर है ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे, इसलिए हम इसकी अपर कोटा लिंक रोड में मुंतकली कर रहे हैं। ठीक है, उससे एक दिन पहले एक रेंट एग्रीमेंट जम्मू में एग्जीक्यूट हुआ जिसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी दे चुका हूं, सीधा सीधा कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, टंके की चोट पे कह रहा हूं, वो रेंट एग्रीमेंट फेक था। उस जगह का मालिक उस रेंट एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था। शेम बोलिए जरा फिर, ये धोखा था। और ये सैनिक कॉलोनी का रहने वाला था, रहने वाला है वो आदमी जो इसमें एज टेनेंट यानी किराएदार, और अहमदाबाद से ली जो कि कोटा से था उसके माँ बहनों। अब मसला ये क्या, अगर हमारे लोग नहीं चाहते, ये बात मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ, आज मेरी एक्साइज के अलकारों से बात हो रही है। देखिए आज हम एक और ऐलान यहां से करेंगे कि हम अपने गिरेबान में झांकेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद एहतसाबी। ठीक है, हम सब भी दूध के धुले नहीं है। ये जो जुर्रत एक्साइज कमिश्नर ने और सुभाष जैसे लोगों ने की, इसमें गलती हमारी है। अब आप यार बात सुनो, क्या मसला, क्या मसला, खामोशी अख्तियार करें, खामोशी। देखिए एक्साइज डिपार्टमेंट वाले आज मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने मुझे बावर कराया कि यहां पर ऐसे ऐसे इलाके हैं और तारिक अशरफ साहब की मैं इस पे खास तवज्जो चाहूंगा इस वक्त, जनाब यहां पे ऐसे ऐसे इलाके हैं हमारी तहसील में जहां हमारे आदमी शराब की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। हमारी तहसील में ऐसे इलाके हैं जहां 10,000 की शराब को शाम को 60,000 में बेचा जाता है और हमारे लोग उसके अंदर धड़ाधड़ मुलव्वस हैं।
लानत भेजिए सब पे, लानत भेजिए सब पे। ठीक है, चूंकि शराब एक लानत है। क्या जी बोलो? लीगल है, लीगल है, जायज है, कानूनी है, लेकिन लीगल चीज को इलीगल तरीके से क्या समझा? ये भेड़ बकरी है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये आवाम है, बाशऊर आवाम है। कानून पर अमल और अमल दरामद करने और करवाने वाली आवाम है। तो एक्साइज कमिश्नर को कानून पर अमल दरामद करवाया जाएगा, हाईकोर्ट से भी करवाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी करवाया जाएगा, मलिक मार्केट से भी करवाया जाएगा, यहां से भी करवाया जाएगा।